ओम शांति। शिव बाबा कहते हैं ओम शांति, शिव बाबा कहते हैं ओम शांति, फिर इनकी आत्मा भी कहती है, ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी कहेगी ओम शांति। वह है परम पिता, वह है प्रजापिता। परम पिता भी ओम शांति कहते, प्रजापिता भी ओम शांति कहते। इनकी आत्मा कहती है ओम शांति, बच्चे भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ओम शांति। बाबा का ओम शांति का रिस्पॉन्स देते हैं, बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। अपने स्वधर्म को जानना होता है, मनुष्य तो अपने स्वधर्म को नहीं जानते हैं। ओम शांति अर्थात अहम आत्मा शांत स्वरूप है। आत्मा है मन बुद्धि सहित, यह भूल कर मन का नाम ले लेते हैं। मनुष्य कहते हैं मन को शांति चाहिए, बाबा सिखाते आत्मा है ही मन बुद्धि सहित, और आत्मा का स्वधर्म है शांत स्वरूप। अगर कहे आत्मा को शांति कैसे मिले तो बोलो क्या बोलेंगे, वाह यह भी कोई प्रश्न है, उनको कहो यह भी कोई प्रश्न है, आत्मा तो स्वयं ही शांत स्वरूप है, शांति धाम में रहने वाली है, शांति तो वहां मिलेगी ना। आत्मा शरीर छोड़ चली जाएगी तब शांति में रहेगी। यह तो सारी दुनिया है, इसमें आत्माओं को पाठ बजाना है। शांत कैसे रहेंगे इस दुनिया में, शांत कैसे रहेंगे, यहां तो पार्ट बजाना है, काम करना है। मनुष्य शांति के लिए कितना भटकते हैं, उनको यह पता नहीं है कि हम आत्माओं का स्वधर्म शांति है। अब तुमको आत्मा के धर्म का पता है, आत्मा बिंदी मिसल है, बाप ने समझाया है। सब कहते हैं निराकार परमात्माए नमः, ओम शांति का भाव पूरा बाबा ने समझाया। अब दूसरी पॉइंट पर बाबा आते हैं कि सब कहते हैं निराकार परमात्माए नमः, परम पिता उनको ही कहा जाता है, वह है निराकार, उनको शिव परमात्माए नमः कहा जाता है। अब तुम्हारा बुद्धि योग उस तरफ है, निराकार परमात्मा के तरफ हमारा बुद्धि योग है। मनुष्य तो सब देह अभिमानी है, उनका योग बाप तरफ नहीं है। तुम बच्चों को हर बात समझाई जाती है, गाते भी है ब्रह्मा देवताए नमः, ब्रह्मा का नाम लेकर ऐसा कभी नहीं कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा परमात्माए नमः, ऐसा कभी नहीं कहेंगे, शिव परमात्माए नमः कहेंगे, ब्रह्मा देवताए नमः कहेंगे, ये कभी नहीं कहेंगे ब्रह्मा परमात्माए नमः।
एक को ही परमात्मा कहा जाता है। तो परमात्मा और प्रजापिता या सूक्ष्म वतनवासी देवताओं के बीच का अंतर बाबा स्पष्ट करते हैं। पहले ओम शांति की पॉइंट क्लियर हो गई, अब परमात्मा और देवता। एक को ही परमात्मा कहा जाता है, वह है रचयिता। तुम जानते हो हम हैं शिव बाबा के बच्चे हैं, उसने हमको ब्रह्मा द्वारा क्रिएट किया है, अपना बनाया है, ब्रह्मा की आत्मा को भी अपना बनाया है। वर्षा देने के लिए क्यों बनाया हमें अपना? वर्षा देने के लिए। ब्रह्मा की आत्मा को भी कहते हैं मुझे याद करो। शिव बाबा ब्रह्मा की आत्मा को भी कहते हैं मुझे याद करो। बीके को भी कहते हैं मामेकम याद करो। देह का अभिमान छोड़ दो, बाबा कहते हैं मुझे याद करो और देह का अभिमान छोड़ दो। ये ज्ञान की बातें हैं। अब ये ज्ञान की बातों को बाबा स्पष्ट करते हैं। 84 जन्म लेते लेते अब यह शरीर जड़ जड़ी भूत हो गया है। ज्ञान की बातों को स्पष्ट करते देह अभिमान छोड़ो। 84 जन्म लेते लेते ये शरीर जड़जड़ीभूत हो गया है, बीमार रोगी हो गया है। तुम बच्चे कितने निरोगी थे, सतयुग में कोई भी रोग नहीं था, एवर हेल्दी थे, कभी देवाला नहीं मारते थे। सतयुग में निरोगी थे, हेल्दी थे, कभी देवाला नहीं मारते थे। क्यों नहीं मारते थे सतयुग में? कभी देवाला क्यों नहीं मारते हैं? बाबा कहे अभी से ही अपना वर्षा 21 जन्मों के लिए ले लेते हैं। राज बताया बाबा ने, क्योंकि अभी के पुरुषार्थ से वो 21 जन्म का वर्षा है, तो वहां देवाला नहीं मारेंगे, क्योंकि वहां का पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ यहां का है। तो बच्चों को समझाया, गाते भी है, 21 जन्म के लिए वर्षा ले लेते इसलिए देवाला मार न सके, यहां तो देवाला मारते रहते हैं। बच्चों को समझाया, गाते भी हैं परमपिता परमात्मा शिव नमः, परमपिता परमात्मा शिवाय नमः। ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहेंगे, उनको प्रजापिता कहेंगे। देवताएं सूक्ष्म वतन में हैं, यह कोई को भी पता नहीं है कि यह प्रजापिता ही फिर जाकर फरिश्ता बनते हैं, संपूर्ण बनते हैं। सूक्ष्म वतन वासी बनता है, अर्थात सूक्ष्म देहधारी। अब बच्चों को बाप ने समझाया है, माम एकम याद करो, तुम भी निराकार हो, हम भी निराकार हैं। पहले बाबा ने कहा दे अभिमान छोड़ो, मुझे याद करो, क्योंकि वर्षा लेना है। अब बाबा कहे तुम भी निराकार, हम भी निराकार, तो तुम माम एकम याद करो। माम एकम याद करना है, और जो भी देहधारी है उनसे बुद्धि योग हटाना है। देह सहित इन आंखों से जो कुछ देखते हो यह सब खत्म होने वाला है। फिर तुमको जाना है सुखधाम
वाया शांति धाम, उस सुख धाम अर्थवा कृष्णपुरी की ही तुमको चाहना रहती है। तो बाप कहते हैं शांति धाम सुख धाम को याद करो। भल सत्युग में भी पवित्रता सुख शांति रहती है, परंतु उनको शांति धाम नहीं कहेंगे, उनको सुख धाम कहेंगे। कर्म तो सबको करना है, राजाएं करनी है, सत्युग में भी कर्म करते हैं, परंतु वह विकर्म नहीं बनता है। क्योंकि वहां क्यों नहीं विकर्म बनता? क्योंकि बाबा कहे वहां माया ही नहीं है। यह तो सहज समझने की बात है। ब्रह्मा का दिन है, दिन में धक्का नहीं खाया जाता है, रात अंधेरे में धक्के खाए जाते हैं। तो आधा कल्प भक्ति ब्रह्मा की रात, आधा कल्प ब्रह्मा का दिन। बाबा ने बताया एक स्थान पर नॉर्थ पोल साउथ पोल पर 6 मास दिन 6 मास रात होती है। नॉर्थ पोल साउथ पोल पर 6 मास दिन तो 6 मास रात होती है, परंतु यह बात कोई शास्त्र में नहीं गाई जाती। यह ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात शास्त्रों में गाई हुई है। अब विष्णु की रात क्यों नहीं कहते हैं? बाबा कहते हैं ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन कहते हैं, वही ब्रह्मा विष्णु बनते हैं, तो विष्णु का दिन विष्णु की रात क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि वहां उनको यह ज्ञान ही नहीं है, विष्णु को यह ज्ञान नहीं है, इसलिए विष्णु की रात नहीं कहा जाती, विष्णु का दिन नहीं कहा जाता। ब्रह्मा को सारा ज्ञान है, वहां उनको यह ज्ञान ही नहीं है। ब्राह्मणों को मालूम है ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए ये बेहद का दिन और बेहद के रात है। शिव बाबा का दिन और रात नहीं कहेंगे। शिव बाबा को भी नॉलेज है, परंतु शिव बाबा का भी दिन और रात नहीं कहेंगे। बच्चे जानते हैं हमारा आधा कल्प दिन फिर आधा कल्प रात है। खेल भी ऐसा है, प्रवृत्ति मार्ग वालों को सन्यासी नहीं जानते हैं, वह तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं, यह स्वर्ग और नरक की बात नहीं जानते। सन्यासी लोग यह स्वर्ग और नरक की बात नहीं जानते, क्योंकि वह निवृत्ति मार्ग वाले हैं। वह तो कहते हैं स्वर्ग कहां से आया, क्योंकि शास्त्र में सत्युग को भी नरक बना दिया है। अब बाप बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, कहते हैं बच्चे मैं निराकार ज्ञान का सागर हूं, मेरा पाठ ज्ञान देने का इस समय इमर्ज होता है। बाप अपना परिचय देते हैं, भक्ति मार्ग में मेरा ज्ञान इमर्ज नहीं होता। बाबा के भक्ति मार्ग में द्वापर युग में बाबा का ज्ञान का पार्ट इमर्ज नहीं होता है। उस समय सारा रसम रिवाज भक्ति मार्ग का चलता है। ड्रामा अनुसार जो भक्त जिस भावना से पूजा करते हैं उनको साक्षात्कार कराने में निमित्त बनता हूं। द्वापर युग में बाबा का पार्ट क्या है कि जो भक्त जिस भावना से याद करते हैं उसको साक्षात्कार कराने के लिए निमित्त बनते हैं। उस समय मेरी आत्मा में ज्ञान का पार्ट इमर्ज नहीं है,
वह अभी इमर्ज हुआ है। परमात्मा अपना भी आदि मध्य अंत बताते हैं कि ज्ञान का पार्ट बाबा का अभी इमर्ज हुआ है। जैसे तुम्हारा 84 जन्मों का रील भरा हुआ है, मेरा भी जो जो पार्ट ड्रामा में जब नूंदा हुआ है वह उसी समय बचता है, इसमें संशय की बात ही नहीं है। अगर मेरे में ज्ञान इमर्ज होता तो भक्ति मार्ग में भी किसको सुनाता? कितना अच्छा बाबा कहते, अगर मेरा आत्मा में ज्ञान का पार्ट इमर्ज होता तो भक्ति मार्ग में भी ज्ञान सुनाता। लक्ष्मी नारायण को वहां यह ज्ञान है ही नहीं, सत्युग त्रेता में भी यह ज्ञान नहीं, द्वापर कलयुग में भी नहीं, सिर्फ संगम युग पर। ड्रामा में नूंद ही नहीं है। मनुष्य मात्र को अगर कोई कहते हैं कि हमको फलाना गुरु सदगति देते हैं, परंतु गुरु लोग सदगति कैसे देंगे? नावक के गुरु लोग सदगति कैसे देंगे? उनका भी तो पाठ है। और कोई कहते हैं बरोबर, दुनिया रिपीट होती रहती है, ये चक्र फिरता रहता है, उन्होंने फिर चरखा रख दिया है। सृष्टि का चक्र है, वंडर देखो, चरखा फिराने से पेट पूजा होती है, चरखा फिराने से भी दुनिया में पेट पूजा होती है। यहां इस सृष्टि चक्र को जानने से, दुनिया में चरखा फिराने से पेट पूजा होती है माना कमाई होती है, बाबा कहे यहां तुम सृष्टि चक्र को जानने से, कैसा कंपैरिजन बाबा ने किया, सृष्टि चक्र को जानने से 21 जन्म के लिए तुमको प्रारब्ध मिल जाती है। कितनी कमाई हो जाती, वो चरखा फिराने से कमाई करते, यहां सृष्टि चक्र को फिराने से कमाई होती है, प्रारब्ध मिलती है। बाबा यथार्थ रीति अर्थ बैठ सुनाते हैं, बाकी सब अयथार्थ सुनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है, ऊंचे ते ऊंच है भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतन वासी, फिर स्थूल वतन में पहले लक्ष्मी नारायण, फिर जगत अम्बा जगत पिता, वह संगम के है तो मनुष्य ही, भुजाएं आदि कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा को भी दो भुजा है। भक्ति मार्ग के चित्र में कितनी भुजाएं दे दी है ब्रह्मा को भी। अगर किसको 8 भुजा हो तो 8 टांगे भी होनी चाहिए। कैसी बाबा रमणीक बातें सुनाते, किसी को 8 भुजा हो फिर 8 टांगे भी होनी चाहिए, ऐसे तो होता नहीं। रावण को 10 शीश दिखाते हैं तो टांगे भी 20 देनी चाहिए। ये सब है गुड़ियों का खेल, कुछ भी समझते नहीं। रामायण जब सुनाते हैं तो बहुत रोते हैं, वो सीता को वनवास मिला तो उस समय लोग भी बैठे बैठे सुनते सुनते रोते हैं। बाप समझाते हैं ये सब है भक्ति मार्ग। जब से तुम वाम मार्ग में गए हो तब से काम चिता पर बैठ तुम काले बन गए हो। अब एक जन्म में ज्ञान चिता का हथियाला बांधने में 21 जन्म के लिए वर्षा मिलता है। वहां सत्युग में फिर आत्म अभिमानी रहते हैं। एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा नया ले लेते हैं, रोने आदि की बात ही नहीं रहती है। यहां बच्चा पैदा होगा तो बधाई देंगे,
धूमधाम से मनाएंगे। कल बच्चा मर गया तो या हुसैन मचा देंगे। दुखधाम है ना, जानते हो भारत पर ही सारा खेल है। भारत अविनाशी खंड है, उसमें ही सुख दुख नरक स्वर्ग का वर्षा होता है। हेवनली गॉड फादर ने ही जरूर हेवन स्थापन किया होगा। लाखों वर्ष की बात हो तो कोई को याद भी कैसे पड़े, लाखों वर्ष की बात ही नहीं है। किसको भी पता नहीं है स्वर्ग फिर कब होगा। कह देते हैं कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्ष है। अब 40,000 वर्ष में कितने जन्म लेने पड़ेंगे? 5,000 में 84 जन्म है। कलयुग को 40,000 वर्ष अगर बाकी हो तो और कितने जन्म लेने पड़े, जबकि 5,000 वर्ष में 84 जन्म है। अब तुम बच्चों की समझ में आता है कि 40,000 वर्ष नहीं हो सकते। तुम रोशनी में हो, बाकी जिनको ज्ञान नहीं वह अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। अज्ञान अंधियारी रात है, अर्थात सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं है। अज्ञान अंधेरी रात, ज्ञान है ही ये सृष्टि चक्र का। हम एक्टर है, ये सृष्टि चक्र के चार भाग है। इन बातों को मनुष्य नहीं जानते, नहीं जानेंगे। ये सृष्टि चक्र के चार भाग है, इन बातों को मनुष्य ही जानेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप नॉलेजफुल है, उनमें जो जो खूबियां है वह सब तुमको दान देते हैं। बाबा क्या करते हैं? बाबा में जो जो खूबियां है वह सब हम बच्चों को दान करते हैं। ज्ञान के सागर से तुम वर्षा लेते हो। बाबा हमेशा कहते हैं देहधारी को याद नहीं करो। भल मैं भी देह द्वारा सुनाता, परंतु याद तुम मुझ निराकार को ही करना। देहधारी बन करके सुनाता हूं, देह में आकर के सुनाता हूं, लेकिन याद तुम मुझ निराकार को ही करना। याद करते रहेंगे तो धारणा भी होगी, बुद्धि का ताला भी खुलेगा। 15 मिनट व आधा घंटा से शुरू करो याद का चार्ट। बाबा के कैसे बढ़ाना, 15 मिनट आधा घंटा से शुरू करो, फिर बढ़ते रहो। पिछाड़ी के समय सिवाय एक बाप के कोई की याद न रहे, इसलिए सन्यासी सब कुछ छोड़ देते हैं, तपस्या में बैठते हैं। जब शरीर छोड़ते हैं उस समय आसपास का वायुमंडल भी शांत हो जाता है, एकदम सन्नाटा हो जाता है। जैसे कोई शहर में कोई महापुरुष ने शरीर छोड़ा हो। तुमको तो अब ज्ञान है आत्मा अविनाशी है, वह लीन हो न सके, वो आत्मा परमात्मा में लीन हो न सके। उनमें तो ये ज्ञान नहीं है। बाबा समझाते हैं आत्मा कभी विनाश नहीं होती, उनमें जो ज्ञान है वह भी कभी विनाश नहीं होता। इम्पेरिशेबल ड्रामा है, ड्रामा भी इम्पेरिशेबल, आत्मा का पार्ट भी इम्पेरिशेबल माना अविनाशी। सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग ये चक्र फिरता रहता है। तुम फिर लक्ष्मी नारायण बनते हो, फिर नंबरवार और धर्म वाले भी आते हैं,
गॉड फादर इज वन, सतयुग से कलयुग तक वृद्धि को पाते रहते हैं। दूसरे झाड़ बन न सके, चक्र भी एक ही है, याद भी एक को ही करते हैं। गुरु नानक को याद करते हैं, परंतु उनको फिर अपने समय पर आना पड़े। जन्म मरण में तो सबको आना है, लोग समझते हैं कृष्ण हाजरा हजूर है, कोई किसको मानते कोई किसको मानते हैं। बाबा समझाते, बच्चे युक्ति से समझाओ, ईश्वर सबका एक निराकार है, युक्ति से समझाओ। गीता में भी है भगवान वाच, तो गीता है सबके माँ बाप, क्योंकि उनसे ही सबको सदगति मिलती है। बाप सबका दुख हरता सुख करता है, भारत सबका तीर्थ स्थान है। सदगति बाप द्वारा ही मिलती है, यह उनका बर्थ प्लेस है। सदगति बाप के द्वारा ही मिलती, इसलिए बाबा भारत में ही आते तो भारत है उनका बर्थ प्लेस। सब उनको याद करते हैं। फादर ही आकर सबको रावण के राज्य से छुड़ाते हैं। अभी ये रौरव नरक है, अब बाप कहते हैं हे देहधारी आत्माएं, अब वापस चलना है, सिर्फ मुझे याद करो। कभी भी देहधारी में लटके तो क्या होगा? बाबा कहे कभी भी देहधारी में लटके तो क्या होगा, रोना पड़ेगा। एक को याद करना है, वहां आना है। तुम्हारा रोना 21 जन्म के लिए बंद हो जाता है। कोई मरे और तुम रोने लग पड़ेंगे, फिर रोने प्रूफ तो नहीं बनेंगे ना। किसकी याद में शौक आ जाए और मर जाए तो दुर्गति हो जाएगी। हिसाब बाबा बता दे, किसकी याद में अगर शौक आ जाए और मर जाए तो दुर्गति हो जाए। तुमको याद तो शिव बाबा को करना है। हार्ट फेल भी हो जाते हैं दुनिया में, मनुष्य किसी की याद में हार्ट फेल भी हो जाते। तुमको तो उठते बैठते एक बाप को याद करना है। यह भी बुद्धि में बिठाया जाता है, क्योंकि सारे दिन में याद नहीं करते हैं तो संगठन में बिठाया जाता है। सबका इकट्ठा फोर्स होता है संगठन में, सबका इकट्ठा वाइब्रेशन का फोर्स होता है। अगर और किसी की याद बुद्धि में रहेगी तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए स्थिरियम रहना है, एकदम बुद्धि स्थिर रहे, देह का भान न रहे। जितना बाप को याद करते हो वह याद रिकॉर्ड में नूंद जाती है। तुमको खुशी भी बहुत होगी, हम जल्दी चले जाएंगे, जाकर तख्त पर बैठेंगे। बाप हमेशा कहते हैं बच्चे तुम्हें कभी रोना नहीं है। बाबा हमेशा कहते बच्चे तुम्हें कभी रोना नहीं है। रोती कौन है ना? रोती तो विधवाएं हैं। तुमको सर्वगुण संपन्न यहां ही बनना है, जो फिर अविनाशी हो जाता है। मेहनत चाहिए, मेहनत चाहिए। बाबा कहे कि हम ऐसे सर्वगुण संपन्न हो जाए। अपने पर नजर रखनी है, कोई भी भूत होगा
तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। नारद भक्त था, लक्ष्मी को वरने चाहता था, परंतु शकल देखी तो बंदर मिसल। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो लक्ष्मी को वरने के लिए, जिसमें पांच भूत होंगे वह कैसे वर सकेंगे। बहुत मेहनत चाहिए राज्य पद के लिए, लक्ष्मी को वरने के लिए मेहनत चाहिए। बड़ी जबरदस्त लॉटरी विन करते हो, हम राजा जरूर बनेंगे तो प्रजा भी होगी। हजारों लाखों वृद्धि होती रहेगी, पहले पहले कोई भी आते हैं तो उनको बाप का परिचय दो। पतित पावन, परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? जरूर कहना पड़ेगा वह पिता है। अच्छा लिखो, बाबा के पहले पूछो, फिर अगर वो कहे कि आप परम पिता है तो कहा अच्छा लिखो। एक ही पतित पावन सर्व को पावन बनाने वाला एक है, लिखवा लेने से फिर कोई बहस नहीं करेंगे। बाबा युक्ति बताते हैं, लिखवा लो, लिखवा लेने से कोई फिर बहस नहीं करेंगे। बोलो तुम यहां सुनने आए हो वा सुनाने आए हो? सर्व का सदगति दाता तो एक निराकार है ना, वह कब आकार साकार में नहीं आता। अच्छा फिर प्रजापिता से क्या संबंध है, परमपिता से क्या संबंध है, फिर प्रजापिता से क्या संबंध है? वह है साकारी, वह है निराकारी। बाबा हम एक बाप को याद करते हैं, हमारा एम ऑब्जेक्ट यह है, इनसे हम राजाई पाएंगे, निराकार से ही हम राजाई पाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।